मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रीवा में तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने वहां कुरियर कंपनी के जरिए तस्करी करके लाई गई 10 लाख रुपए की कीमत की 40 पेटी नशीली कफ सिरप जब्त की है। इसके साथ ही एक मोस्ट वांटेड अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस सिरप को एक मेडिकल स्टोर संचालक ने कुरियर के जरिए दिल्ली से बुक कराया था। पुलिस अब इस जाँच में जुटी है कि इसे कहाँ कहाँ और किस तरह से सप्लाई किया जाना था। पुलिस के अनुसार कुरियर से नशे की तस्करी कर सूचना मिलने पर कृष्णा कुंज स्थित ट्रांसपोर्ट पर दबिश दी गई। ट्रांसपोर्ट का ताला खुलते ही कृष्णा मेडिकल के नाम से बुक कुरियर की जांच की गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक एक कर दिल्ली से बुक किए गए लगेज की तलाश ली गई। पुलिस ने जब कॉटन खुलवाए तो सबके होश उड़ गए। इन कार्टनों में भारी मात्रा में कफ सिरप पाई गई और बाद में जब उनकी गिनती की गई तो कुल 41 पेटी में करीब 4,800 नग कफ सिरप मिली और इस पर पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में ड्रग्स की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। पुलिस समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लेकिन ड्रग्स तस्कर इसके आदान प्रदान के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं और प्रदेश के युवाओं में बढ़ रही नशाखोरी की लत पर लगाम लगाने के लिए शिवराज सरकार ने अभियान भी छेड़ रखा है। शिवराज सरकार के इस पहल के पूर्व सीएम उमा भारती ने भी तारीफ करते हुए ट्वीट कर कहा कि मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह ने नशा मुक्ति अभियान का प्रारंभ कर दिया है और जिस तरह से हुक्का बार लाउंज और नशे के अवैध व्यापार को ध्वस्त करने के लिए अधिकारियों को कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है, वह स्वागत योग्य है।